महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, टीचर्स PhDs करके आए हैं, हमने लेबोरेटरीज का नेटवर्क बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बट ये सारा नेटवर्क अगर प्योर रिसर्च और एकेडमिक्स के लिए इस्तेमाल हो दैट विल नॉट सर्व आवर पर्पस। हमारा मकसद तब पूरा होगा कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इकोनॉमिक पे बैक दे, इसमें अप्लाइड रिसर्च हो, इंडस्ट्री के साथ मिलकर जो हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो इसी तरह मैं प्राइवेट सेक्टर को ये अर्ज करूँगा कि वो टेक्नोलॉजी के हर शोबे के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी उनके करीब तर है और जिस यूनिवर्सिटी की सलाहियत को वो अपने मसाइल से करीब तर समझते हैं उसके साथ पार्टनर करें, और जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं उनको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे उनके अपने R&D के एक्सपेंसेस बजाय ये कि वो इतनी महंगी लेबॉरेटरीज खुद बनाएं, तो जो लेबॉरेटरीज पब्लिक सेक्टर के अंदर बनी हुई हैं वो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसीलिए हमने इस बात को समझते हुए कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमन रिसोर्स का है, तो मुझे इस बात पर खुशी है कि जब मैंने वजारत मनसूबा बंदी का ये कलमदान दोबारा संभाला तो हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट बजट 26 बिलियन रुपीज़ था, और आज 14-16 महीने के बाद जब मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो हमने उसे 26 अरब से बढ़ा के 70 अरब रुपए कर दिया है। सो इट इज़ मोर देन 135% इंक्रीज एंड सिंगुलर हाईएस्ट इंक्रीज, जो कि किसी भी शोबे के अंदर इतना इजाफा नहीं किया। इसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हम कहते हैं जी फलाना मूल क्यों निकल गया आगे, फलाना क्यों आगे निकल गया। दुनिया में टर्शरी एजुकेशन की एवरेज 40% है,